सर ट्रिल, इस पे क्या राय बनती है? TRIL, ट्रांसफॉर्म एंड वेक्टर। है PRIL, बन सकते हैं ना। मेरे यहाँ पे चार्ट किसी के लोड हो रहे हैं, क्योंकि जी सर, ये स्टॉक काफी ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया था। मेरे ख्याल से सितंबर में इसका ब्रेकआउट आया था और अभी ये 55 पे चल रहा है। ये स्टॉक में जिन्होंने भी लिया रहेगा, बहुत सही स्टॉक है, उनके लिए बोर्ड की सलाह रहेगी। और चार्ट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये शायद मल्टीपल, अगर यहाँ से हो सकता है हायर ही जाएगा, लेकिन जो भी लेवल यहाँ पे डीप पे आएंगे वो शायद बाइंग करने की सलाह रहेगी। अभी करेंटली ये 57 पे चल रहा है, यहाँ से भी थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है तो 50 से लेके या 50 के नीचे भी जाता है, 45 के लेवल तक भी आप बाय किया जा सकता है। इसका मैं स्टॉप लॉस देना चाहूंगा कि थोड़ा आप 35 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 35 का स्टॉप लॉस नहीं आएगा, लेकिन जो भी 5-10 पॉइंट का करेक्शन आएगा उसमें स्टॉक को लेना चाहिए, क्योंकि बुलिश ब्रेकआउट पे स्टॉक है और स्टॉक ये परफॉर्म करेगा। और अगर ये कंपनी किस सेक्टर की मुझे पता नहीं, लेकिन चार्ट ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। और हो सकता है अगर ये लेवल्स टारगेट के, मैं 80 के देख रहा हूँ, आने वाले 3 से 4 महीने में 80 के टारगेट्स को भी ये टेस्ट टेस्ट कर सकता है। ये स्टॉक में पोटेंशियल है, तो काफी अच्छा स्टॉक होगी। तो सर ने बता दिया है, सर को ये पोटेंशियल स्टॉक दिख रहा है, आप इसमें नजर बनाए रख सकते हैं।